नमस्कार दोस्तों, हमारे ग्राउंड फैक्ट इंडिया चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कर जरूर करें। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स को लगभग 13.8 अरब साल पूरे हुए हैं, जबकि धरती पर ह्यूमन सिविलाइजेशन 3 लाख वर्ष से उपस्थित है और वर्तमान सिविलाइजेशन 6000 साल कंप्लीट कर चुकी है, जबकि भारतीय इतिहास और सभ्यता की कहानी इससे भी बहुत पुरानी है। दोस्तों, भारतवर्ष संसार का प्राचीन देश है। यह देश ऋषियों, मुनियों, गुरुओं का देश माना जाता है। मानव ने पहली बार यहीं पर जन्म लिया। अखंड भारत समय समय पर खंडित होता चला गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया तक अखंड भारत का विस्तार था। आज से 2500 वर्ष पहले भारत की सीमाएं बहुत बड़ी हुआ करती थी, और तब भारत एक समृद्ध राष्ट्र हुआ करता था। भारत की कला संस्कृति पूरी दुनिया में मशहूर थी। यह देश ऋषियों, मुनियों, गुरुओं का देश माना जाता था। यही देश जहाँ पे विश्व गुरु कहलाया, और गुरुओं की परंपरा, ऋषि मुनियों की परंपरा, यहाँ की कलाओं से हमेशा जो भी बाहर के आक्रमणकारी थे वो आकर्षित हुआ करते थे। भारत एक सनातन संस्कृति का देश था। यहाँ के मान्यताओं के हिसाब से लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे और उनमें आस्था और विश्वास रखते थे। हम आपको बताना चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ, जो भगवान भोले की नगरी है, वो उसको विश्व में सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराने शहरों में से एक का दर्जा हासिल है। इस धरती पर वो सबसे पुराना शहर है जो अभी भी अस्तित्व में है। बहुत शहर ऐसे थे, बहुत संस्कृति ऐसी थी जो विलुप्त हो गई, लेकिन आज भी सनातन संस्कृति जीवंत है। भारतीय संस्कृति में कभी भी आप देखेंगे कि वो लोग बहुत सारी चीज़ों का स्वयं निर्माण करते थे। हस्तकला में और तमाम तरहों की कलाओं में वो निपुण थे। भारत धन धान्य से सुखी था। डॉलर का उस समय कोई वजूद नहीं था। उसी समय कुछ बाहर के आक्रमणकारियों, मुगलों और अंग्रेजों की नज़र भारतीय महाद्वीप पर पड़ी और वो भारत की तरफ बढ़ने लगे। आप देख सकते हैं, उसी में एक मर्चेंट था जिसका नाम था वास्को डी गामा, जो केरल से होते हुए कालीकट के तट पे पहुंचा, और वहाँ उसने देखा कि भारत तो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि बहुत ही उन्नत क्वालिटी की होती है। यहाँ मसालों की खेती होती है, और यूरोप में उस समय मसालों की बहुत ज़्यादा मांग थी, इसीलिए भारत ने वो व्यापार करने के लिए वहाँ के जो भी शासक थे उनके साथ उसने एक एग्रीमेंट किया, और पुर्तगाल में जाकर उसने बताया कि हमने एक ऐसे देश की खोज की है जो बहुत ही व्यापार और दूसरी चीज़ों में बहुत ही समृद्धशाली है। इसे ही वास्को डी गामा का भारत का खोज कहा जाता है। और पुर्तगाली शासन को जब वास्को डी गामा ने अपने एग्रीमेंट के लिए बताया, और ये भी बताया कि भारत दूसरे देशों जैसे चाइना, चीन और अफ्रीका के साथ में पहले से ही व्यापार कर रहा है, तो वहाँ की गवर्नमेंट भारत के साथ व्यापार करने के लिए बहुत उत्सुक हुई, और इस प्रकार वास्को डी गामा में भारत के साथ व्यापार का रास्ता खोला। उसी समय भारत में लगभग 1526 में मुगलों का आक्रमण हुआ। बाबर ने, जिसका नाम पूरा था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ने भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया, और आगरा और दिल्ली में मुगल सल्तनत की नींव रखी। बाबर तैमूर वंशज का माना जाता है, इसीलिए त्रिमूरिड राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। मुगलों ने लगभग भारत पे 300 वर्षों तक शासन किया, और उस शासन के दौरान भारत की कलाकृतियों और परंपराओं का दोहन भी किया। तत्पश्चात
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। 24 अगस्त 1608 को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर भारत आए और उन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे सभी राजाओं को परास्त करना शुरू कर दिया, अपने अधीन करना शुरू कर दिया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व हो गया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट